सर एक्चुअली मेरी गुड़िया बाल भवन में पढ़ती है जो 2.5 साल की है। इस ये अभी स्कूल जाते टाइम जैसे रोना शुरू कर दिया, जैसे हम गेट पे छोड़ने जाते हैं ना, तो इसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो हमने लगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा जब मैडम को देखता है तो मैडम को देखते ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हमें लगा कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, अंदर मार पिटाई है या बच्चे को डराया धमकाया जा रहा है। इस मामले में हमने इनके लिए इंक्वायरी की है और हमारे पास आज एक वीडियो, 2-3 वीडियोज़ आई हैं। उसमें देखा गया है कि जो मेरी बच्ची है गुड़िया छोटी 2.5 साल की, उसको बड़े ज़ोर ज़ोर से बेरहमी से मार रही है मैडम। इसकी मैडम है जो कविता मैडम है, और वहाँ पे 3 हेल्पर्स हैं जो इन बच्चों की देखरेख करती हैं। मेन इनमें से कविता मैडम है जो इनको टीच करती है, और वो मतलब अभी कुछ करवा भी नहीं रही है। और जैसे ही 2-3 दिन से ही डालना शुरू भेजना शुरू किया हमने इसको, तो अब बड़ा टॉर्चर कर रही है बच्चों को, अदर बच्चों को बड़ा टॉर्चर कर रही है ये। इसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई की, मतलब बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। कहाँ का मामला है ये? मामला बाल भवन कैथल का है। इसके बारे में शिकायत दी आपने कहीं? इसके बारे में हमने पहले ओरल बोला था मैडम को कि आप ऐसे मत करो, बच्चा डरा डरा आता है। सिविल लाइन में हमने इसकी शिकायत दी, सिविल लाइन थाना में थाना। हाँ जी, उच्च अधिकारियों से मिले किसी से? जी, इनके जो बलबीर सर, बलबीर चौहान है, DCW है यहाँ के, उनसे भी हमने कई बार मिले हैं। उनको वैसे ही ओरल में बोला है, सर ये मैडम बच्चों के साथ गलत कर रही है, आप इनकी देख रेख करो, इनको बोलो कुछ, लेकिन वो भी हमारी हर बात इग्नोर कर देते हैं। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि सभी बच्चों को न्याय मिले, और जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें ये मतलब हमें जब हमने बलबीर जी को बोला है कि ऐसे ऐसे बच्चों के को टॉर्चर कर रही है, तो ये इन्होंने हमें भी जान से मारने की धमकी दी है। कह रहा कि यहाँ सारे जो उच्च अधिकारी है मेरे फेवर में बोलेंगे, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन है बलबीर चौहान? जो यहाँ के DCW सर है। जी, किस किस के ऊपर आरोप लग रहा है? जी, ये कविता मैडम है जो बच्चों को पढ़ाती है, और जो DCW है वो कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ। बलबीर चौहान है जो, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो मैडम को ना रोक टोक रहे हैं कि आप बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार मत करो। तो सर अब हम बस यही चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के आता है सुबह, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ है। ऐसे तो बच्चा गली में खेलता ही नहीं रहेगा। अगर बच्चे को पीटना ही है, कोई और अदर पड़ोसी है वो भी मार सकता है बच्चे को, फिर तो बच्चा सेफ नहीं है ना। अब जब स्कूलों में ही बच्चे सेफ नहीं होंगे, सिर पे पहले भी सर्दियों में इतना सिर फोड़ रखा था इन्होंने, तो उसके बारे में हमने सोचा कि चलो बच्चा, इन्होंने बोला कि हमें कि खेलते टाइम बच्चा गिर गया बाइक से, लेकिन वो बाइक से गिरने की चोट नहीं थी। फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, बोला तो मैडम को, लेकिन मैडम ने गौर नहीं किया, इग्नोर कर दी ये बात, कहते कि नहीं ऐसे ही बच्चा खेलते टाइम गिर गया था। हमने भी सोचा चलो हो सकता है कोई इंसिडेंस, हो सकता है गिर भी गया होगा बच्चा, ये बात है सर। आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास सर इनके खिलाफ 3 वीडियोज़ आई हैं जो हम पेश कर सकते हैं। उसमें क्या कुछ दिख रहा है? उसमें बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार रही है कविता मैडम, गाल खींच के, एक बच्चे का गाल खींच के मार रही है, और जो मेरी बेटी है छोटी 2.5 साल की, उसको बड़ी ज़ोर ज़ोर से मार रही है, और सिर पे चोट मार, जैसे गाल पे थप्पड़ मार रही है, और फिर धक्के से थप्पड़ मार के धक्का दे के उसको धरती पे फेंकती है।